हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री जी, बड़ा कष्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब देखो, अगर हम लोग एक साथ भागते हैं तो हो सकता है एक साथ मारे जाएं। अगर हम लोग अलग अलग भागते हैं तो हो सकता है हमें से किसी की जान बच जाए। इसलिए ऐसा करते हैं, तुम इस तरफ भागो, हम इस तरफ भागते हैं। इधर से अपनी जान बचाओ, भाग कर जाओ। चलो जाओ। चलो भाग के। कमीने कमीने बादल सिंह, तेरा खेल खत्म हो गया हरामजादे। और बेटा राजू, हंटर ले आओ। देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है बेटा। फिर ठीक क्या है? तुम तो समझदार हो बेटा और जानते हो कि छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो? तुझे माफ कर दो? हराम जादे कमीने, माफी मांगता है मुझसे। माफी मांगता है, माफी मांगता है। हरामजादे, समझदार हो बेटा। देखो, किसी अच्छे आदमी को, शरीफ आदमी को मारना अच्छी बात नहीं। अच्छा, बड़े शरीफ और इज्जतदार आदमी हो तुम। क्यों, तुम जैसा शरीफ इज्जतदार इंसान शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हराम जादे, आज तेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि आज मुझे मेरा बेटा, मेरी पत्नी सब मुझे वापस मिल गए। लेकिन आज तू नहीं बचेगा कमीने, आज तेरा नाम निशान मिटा दूंगा मैं। हराम जादे, बादल सिंह अब मरने के लिए तैयार हो जा। गोली मत चला है, गोली मत चला बेटा, गोली मत चला रहा। क्यों? देख, मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता? मरना नहीं चाहता बेटा। मगर क्यों? मरने से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, पहली बार मरने जा रहा हूँ, मरने की प्रैक्टिस नहीं है बेटा। हराम जादे, क्या दुनिया में लोग दो चार बार मरते हैं और मरने से पहले मरने की प्रैक्टिस करते हैं? बादल सिंह, मरना तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता। गंगा जो है, खुदे मारा नहीं चाहते। लेकिन तेरे जैसे जालिम इंसान जो लोगों में मौत बांटते हैं, आज वही मौत की परछाई जब तेरे ऊपर पड़ी तो चिल्लाने लगा। क्या कहा? तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है, तो चल आज तू मरने की प्रैक्टिस कर ले। हो सकता है शायद कभी मरना ही पड़ जाए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मरने में दिक्कत नहीं होगी। बादल सिंह, नंबर एक, नंबर दो और नंबर पिताजी, नहीं पिता। सपना। हाँ पिताजी। रोना मत बेटा। पिताजी, देख लिया ना अपनी करनी का फल, देख लिया आपने। हाँ बेटी, आज
आज मेरी समझ में आया, लेकिन तू ये मत समझ कि मेरी मौत का जिम्मेदार भारत है। मेरी मौत का जिम्मेदार भारत नहीं, मेरे कर्म है। बेटी बेटी सपना, तू घबरा मत, चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी बेटी बहू बना के रखूंगा। और बेटा राजू, आओ चलकर देखते हैं कि चाचा जी चाची जी का क्या हश्र कर रहे हैं। आओ बेटी हमारे साथ चलो। हरी मरी माई रे, हरी मरी माई कहाँ चली जाई? मालपानी, हाँ। अब तो जान मुश्किल में पड़ गई है। अरे मुश्किल में क्या बात है? मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अब बताओ, तुम ही बताओ कहाँ जाऊँ, कैसे जान बचे? जान एक जगह बच सका था। कहाँ? चलो हमारे साथ है दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली चली गंगा कैकेट वाले भैया किया। अच्छा अच्छा, पुनीत भैया किया। हाँ। वही भाग चला, वही जान बची है बच्ची। अगर तुम मुझे लेकर वहाँ चले जाओगे तो मेरी जान बच जाएगी। बड़े दयालु भैया पुनीत भैया है। तो मालपानी, मैं तो उनके यहाँ कभी गई नहीं हूँ, मैं रास्ता नहीं जानती, तुम मुझे लेकर साथ चलो। चलो चलो, हम तुमका लेके चली थी मायापुरी से जनकपुरी, भागी थी हवाई रे। कहाँ भाग कर जा रही थी, कहाँ जा रही है? वाह लीलावती वाह, वाह लीलावती, मेरे हाथों से बच कर जाएगी। और इतनी लीला फैलाने के बाद क्यों बुलट लाओ इधर, क्यों भाग कर जाएगी और कहाँ जाएगी? स्वामी जी, स्वामी जी, सबसे पहली बात तो ये देखो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ। तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। हाँ, इसीलिए उस महामंत्री से मिलकर मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। क्यों क्यों है तू? और तू इस बजाद औरत को कहाँ ले जा रहा था? दिल्ली शर्मा जी के यहाँ, मतलब उन लोगों को भी बर्बाद करना चाहता था। हराम खोर, तुझे ये नहीं पता कि ये औरत किस लायक है? और क्या लीलावती? स्वामी जी, स्वामी जी बोल, क्या बोलना चाहती है? मुझसे गलती हो गई स्वामी जी, और मुझे माफ कर दीजिए। गलती? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों पे आज पछता रही हूँ, और अपने गलती की आपसे क्षमा चाहती हूँ स्वामी। क्षमा चाहती, क्षमा चाहती है, अपने गलती की क्षमा चाहती है। और तूने गलती पर गलती किया, गलती पर गलती किया, और गलती की क्षमा भी मांग रही है। क्यों क्षमा भी मांग रही है? मालपानी उल्टा औरत, मालपानी तुम बेटवा यहाँ का भाई, एक बात बताओ का? अब तो हमसे गलती हुई इनके बच्चा। मुला हमारे महाराज जी जौन करा थी, काम मन सेधु का धर्म यही है। का कौन धर्म, कौन धर्म? अरे देखा था हमारे महाराज हमका कितना मारता है। अरे तुम्हार मन सेधु वही, तुम्हार पति यही। हाँ। तुम उनका मेहरिया हो। हाँ। अब घर का लड़ाई है, हमका वही बीच में का डारा दिया। लेकिन मालपानी एक बात यह है, जौन हमारे महाराज करता है ना, मन से धू का धर्म ना आए। अच्छा, मन से धू का धर्म ही आए भैया हरा, कि अगर मेहरारू जात, हाँ मालपानी, मेहरारू जात अगर सात गुना करे हुए सात। हाँ, सात है ना? और कहा सात
मेहरारू जात अगर सात गुनाह करे हुए तो वही का मेट दिए चाहिए। और माल पानी है हम तो वही एक ही गुनाह करा है। अरे तैयार है, अरे मैं हूँ, ओए तैयार जी, ओए तैयार, ओए तैयार। बुला छोड़ा इसे। यहाँ एक ही दाव, एक ही दाव, एक ही दाव, बहुत लागत है का। बहुत लागत है का? छोड़ा देगा तुझको? हाँ बुलट लागत है। बहुत लागत है? हाँ। चलो लागत हो तो आपकी तेल लगा के मारी है, चलो। महाराज लीलावती लीला माफ करने लायक नहीं। बुलट खंजरा, अगर तू हमारे चंबा राज में जिंदा रही तो तू हमारे चंबा राज के लिए कलंक बनी रहेगी। तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। तू जैसी बजाद औरत के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत, सिर्फ मौत। और तू मरेगी, मरेगी लीलावती। तेरा मरना बहुत जरूरी है। नहीं स्वामी जी, तेरा मरना बहुत जरूरी है लीला। अरे तैयार है, अरे माई हो, अरे तैयार है। तड़प तड़प तड़प। आज इस लीलावती की लीला समाप्त हो गई है, जिसके वजह से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हुआ, हमारे चंबा राज पर दाग लगा। आज इसकी लीला समाप्त हो गई है और हो ना हो, अब मैं देखता हूं कि हमारे भतीजे भारत ने उस कमीने बादल सिंह का अंत जरूर कर दिया होगा। इसलिए हम इसी वक्त चलते हैं, अपने भतीजे अपने बेटे उस भारत से मिलते हैं, भारत से मिलते हैं। आओ हमारे साथ। चले महाराज। बेटा राजू। पिताजी आज हमारा दुश्मन बादल सिंह तो मारा गया, चाचा जी गए हैं चाची के पास, पता नहीं चाची का क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते। आप चाचा जी आएंगे तभी बताएंगे कि चाची माँ को क्या हुआ, चाचा का हम लोग इंतजार करते हैं। ठीक है पिताजी। देखो चाचा जी आ भी गए। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी। बेटा भारत सदा सुखी रहो, आओ। बेटे भारत मैं ये जानना चाहता हूं कि उस कमीने बादल सिंह का क्या हस्त हुआ। चाचा जी मैंने बादल सिंह का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। बहुत अच्छा किया। और इस फसाद की जड़ लीलावती को भी हमने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, समाप्त कर दिया है। आज हमारे इस चंबा राज में हमारे परिवार में फिर से खुशियां वापस आई हैं, फिर से हमें खुशी मिली है, हमें हमारा बेटा मिल गया है, हमें हमारा पोता मिल गया है, हमारी बहू मिल गई है, पूरा परिवार मिल गया है। आज हमारे चंबा राज में खुशियां ही खुशियां मिल गई है। और आज इसी खुशी में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटे भारत। वो कौन सी बात है चाचा जी? बेटे भारत जैसा कि हमारे इस खानदान की, हमारे इस चंबा खानदान की सदियों से एक परंपरा चली आई है, और वो परंपरा ये है कि जब इस सिंहासन पर बैठकर ताज और तख्त का वारिस बनकर वो राजभोग करते करते चौथेपन में चला जाए, उसकी आयु बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो उस इंसान को अपना ये ताज और तख्त अपने परिवार के किसी सदस्य को देकर वो बियाबान में जाकर वीराने में जाकर श्री हरि का भजन करता है। बहुत अच्छी बात है। और इसी परंपरा को कायम रखने के लिए आज मेरा भी चौथापन आ गया है, मैं भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गया हूँ। और आज मैं ये चाहता हूँ कि ये चंबा का राज ताज और तख्त ये जिम्मेदारी मैं आपके शीश पर छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे अब
बिराने में जाकर बियाबान में जाकर श्री हरि का भजन करना चाहिए ताकि हमारे खानदान की परंपरा कायम रहे। चाचा जी ठीक है, जब हमारे खानदान की यही परंपरा है तो हम सबको इसे निभाना ही पड़ेगा। लेकिन चाचा जी जाने से पहले आप एक शुभ कार्य करते जाएं। ऐसा कौन सा शुभ कार्य है चाचा जी हमारे हाथों से करवाना चाहते हैं? आप इस लड़की को देख रहे हैं, ये बादल सिंह की बेटी है चाचा जी, जो हमारे बेटे राजू से बहुत प्यार करती है क्या? और राजू भी इसे बहुत प्यार करता है चाचा जी। चाचा जी गुनहगार दोषी बादल सिंह था, उसकी बेटी गुनहगार नहीं चाचा जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बादल सिंह की गलतियों को भुलाकर मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। आप अपने हाथों से इन दोनों की शादी करवा के जाइए। ठीक है बेटे, आज इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज मैं अपने हाथों से ये शुभ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आओ मेरे बच्चे, आओ आओ राजू, आओ आओ बेटी। आज से हम तुम दोनों को एक ऐसे टूट बंधन में बांधे देते हैं जो एक जन्म तो क्या सात जन्म भी नहीं टूटेगा। और ख्याल रहे इस बंधन को ना तो टूटने देना और ना ही इसमें गांठ पड़ने देना, ना ही दरार आने देना। ठीक मेरे बच्चों, ये ताज मैं अपने हाथों से अपने बेटे के शीश पर सुशोभित करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आज मेरा बेटा भारत इस ताज में कितना सुंदर लग रहा है। बेटे भारत जी चाचा। ये चंबाराज का ताज है और इसे शीश पर रखते ही वो चंबा राज का मालिक बन जाता है और आज के बाद इस चंबा राज के अन्नदाता आप बन जाएंगे। यहाँ की हर प्रजा का सुख दुख आप देखेंगे और हर सुख दुख आपके कंधों पर रहेगा। आपको निभाना है, निभाना है बेटा। और बेटे जी चाचा जी इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चंबाराज हमारे खानदान की परंपरा को हमेशा कायम रखना, जैसा कि परंपरा सदियों से चली आई है। जैसे कि हम अपनी आयु पूरी होने पर अब हम श्री हरि भजन के लिए वीराने में जा रहे हैं और वक्त आने पर इस परंपरा को आप भी निभाना, पूरे परिवार की देखरेख करते रहना और साथ में इस प्रजा को अपने बच्चे की तरह देखते रहना, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छी बात चाचा जी। और इन्हीं बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग हमें इसी वक्त वीराने के लिए उस वियाबान में श्री हरि के भजन के लिए हमें वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक है चाचा जी, चलिए हम सब आपको बियाबान में छोड़कर आएंगे। आइए चाचा जी, आइए आइए सब लोग। बोलो सरस्वती मैया की जय।